ये क्वेश्चन रेलवेज के एग्जाम में पूछा गया था. इफ ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, देन वी नीड टू कैलकुलेट एंगल ए बी सी. सो यहाँ हम देख सकते हैं कि लाइन ए डी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ए डी एक एंगल बाइसेक्टर है. सो अगर एंगल बी ए डी 28 डिग्री होगा तो एंगल सी ए डी भी 28 डिग्री होगा, यानी एंगल ए एंगल बी ए डी प्लस एंगल सी ए डी होगा, यानी 28 डिग्री प्लस 28 डिग्री 56 डिग्री होगा. नाउ हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट. सो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हमने एंगल बी ए सी का वैल्यू कैलकुलेट किया है 56 डिग्री, एंड एंगल ए सी बी का वैल्यू हमें गिवन है 60 डिग्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम एंगल ए बी सी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस विल बी 64 डिग्री. सो 64 डिग्री इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ आंसर दिस.